हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरल थेरेपिस्ट। दोस्तों, एक अरोमा थेरेपिस्ट अपने पेशेंट्स का इलाज अरोमा एसेंशियल ऑयल्स के मदद से करता है और एक नेचुरल थेरेपिस्ट अपने पेशेंट्स का इलाज करता है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ में, जो हमारे घर में ही होते हैं लेकिन उनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं होती है। सबसे बड़ी बात कि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियोस पसंद आ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो आज हम यहां पर करने वाले हैं वो है पुरानी से पुरानी कब्ज के बारे में। आप सबको पता होना चाहिए कि नेचुरोपैथी के अंदर कब्ज को ही सारी बीमारियों की जड़ माना जाता है और इस कब्ज को बहुत सारे लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। बहुत बार कब्ज होने के बावजूद भी वो उसे एक आम पेट साफ होने की समस्या कह करके इसे टाल देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें आगे चल के कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। आपकी स्किन का खूबसूरत ना होना हो, या बालों के झड़ने की शिकायत हो, या आपको शिकायत हो पाइल्स की, या फिर आपको बहुत ज्यादा पसीना आता हो, या आपको बनती हो बहुत ज्यादा एसिडिटी, या फिर आपको हो माइग्रेन, या फिर आपको हो किसी भी तरह की हार्ट डिजीज, इन सभी का रीजंस आपके पेट से जुड़ा हुआ है। आपके पेट का सबसे ज्यादा फिट होना आपके शरीर के किसी भी अंग की तुलना में सबसे ज्यादा जरूरी है और इसीलिए आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा एक ऐसे घरेलू नुस्खे के बारे में, जिसको आप इस्तेमाल करके अपनी कब्ज को, चाहे वो कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, जड़ से मिटा सकते हैं। अब जड़ से मिटाने का क्या मतलब है? जड़ से मिटाने का मतलब है कि आपको इसे सिर्फ कुछ दिनों तक फॉलो करना है और उसके बाद में इस प्रॉब्लम को वापस से रिपीट ना होने से रोकने के लिए एक अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करना है। बस इतना सा ही काम है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह आती है, सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि कब्ज क्या है, बिकॉज बहुत सारे लोग सिर्फ पेट के साफ नहीं होने को ही कब्ज कहते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपका पेट एक दिन में एक बार कम से कम साफ नहीं होता है तो ये कब्ज है ही। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको पूरा दिन पेट साफ होने के बावजूद भी एसिडिटी रहती है, ब्लोटिंग रहती है, तो भी ये कब्ज के अंदर ही आता है। आपको एक और चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आपको खाना खाने के तुरंत बाद में मोशन की जरूरत पड़ती है तो भी ये एक तरह की कब्ज ही है, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम कहा जाता है। एक और बात, अगर आपके स्टूल पास करते समय आपको किसी भी तरह का दर्द होता है या आपके स्टूल से किसी भी तरह का खून पास होता है तो ये भी कब्ज है और इसे भी ठीक करने के लिए आप ये जो घरेलू नुस्खा मैं बताऊंगा इसे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका स्टूल पास करने के बाद, फ्लश करने के बाद भी कमोड से चिपका रहता है, मतलब कि आपका जो म्यूकस है वो आपके स्टूल के रास्ते से आता है, चिपचिपा रहता है आपका स्टूल, तो भी ये कब्ज की ही एक फॉर्म है। तो हर वो बीमारी जो आपके एनस, या वो आपकी बीमारी जो आपके स्टूल से जुड़ी हुई है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई है, वो कब्ज की ही कैटेगरी के अंदर आती है और ये बहुत जरूरी है कि हम इसे सीरियसली लें। क्योंकि अगर आप बहुत अच्छी एक्सरसाइज करते हो, बहुत अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खाते हो, बहुत अच्छा अपना शरीर का सब ध्यान रखते हो, लेकिन आपने सिर्फ अपनी इस छोटी सी चीज पर ध्यान नहीं दिया, तो डेफिनेटली आपके ये सारे के सारे एफर्ट्स जीरो हो जाते हैं, आपको इनकी वजह से कोई भी फायदा नहीं होता है। तो बहुत जरूरी है अपने इस प्रॉब्लम को समझना और उसका प्रॉपरली समय पर ट्रीटमेंट करना। अब क्या किया जाए? बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कई सारे चूर्ण लेते हैं, कई सारे बहुत सारी गोलियां आती हैं लैक्सेटिव, जो आपका जो स्टूल होता है वो आराम से पास कराने में आपकी मदद करती हैं, वो सब लेते हैं। लेकिन इन सब से क्या होता है, आपके शरीर के अंदर इनके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो रह जाते हैं। यहां पर मैं बात करूंगा एकदम ऐसे घरेलू नुस्खे के बारे में जिसको कि शायद आप लोग जानते भी होंगे लेकिन आपने कभी उसको सीरियसली नहीं लिया। मैं बात कर रहा हूं कैस्टर ऑयल के बारे में, जिसको हम हिंदी में अरंडी का तेल कहते हैं। लेकिन इस अरंडी के तेल को लेना कैसे है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो जो अरंडी का जो तेल होता है वो लैक्सेटिव होता है, मतलब कि वो आपके शरीर के अंदर चिकनाई बढ़ाता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को चिकनाई देता है, जिसकी वजह से स्टूल का जो मूवमेंट होता है, स्टूल का जो आगे सरकने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत बेहतर हो जाती है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं रहती। लेकिन क्या इसे प्योर लेना चाहिए या इसे किसी चीज में मिला करके लेना चाहिए? तो डेफिनेटली इसे हमेशा एक कप गर्म दूध के ऊपर डाल करके मिला करके ही लेना चाहिए,
कभी भी कैस्टर ऑयल को आपको प्योर नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप कैस्टर ऑयल को प्योर लेते हैं तो उसकी वजह से आपको आंतों के अंदर कभी कभी अल्सरेशन की प्रॉब्लम या अल्सरेटस कोलाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत जरूरी है कि आप इसे प्योर फॉर्म में ना लेकर के दूध के ऊपर डाल करके लें। तो एक ग्लास या एक कप, एटलीस्ट एक कप गरम दूध लें, उसके अंदर आप एक टेबल स्पून मतलब जो खाना खाने वाला जो चम्मच रहता है वो मिलाएं और उसको अच्छे से फैट करके अच्छे से मिला करके फिर आप ले लें। हालांकि वापस से तेल ऊपर ही आ जाने वाला है, लेकिन मिलाने के तुरंत बाद अगर आपने ले लिया तो वो मिक्स होकर के आपकी बॉडी में जाएगा और वो आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। इसे रोजाना रात को सोते समय लें। आपको पता होना चाहिए पुराने समय में नॉर्मल डिलीवरीज को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने के लिए और बच्चा बहुत स्मूथली डिलीवर हो इसके लिए भी कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि वो आपकी बॉडी को अंदर से चिकनाई देता है और यही चीज आपके जॉइंट्स को भी ल्यूब्रिकेशन देगी, यही चीज आपको इंटरनली भी बहुत बेनिफिट देगी। सो बहुत जरूरी है कि आप इस स्टेप को एज इट इज फॉलो करें, एक महीना फॉलो करें रोजाना लेते हुए, फिर उसके बाद एक दिन छोड़ करके एक दिन उसे लें, फिर उसके बाद में दो दिन छोड़े और एक दिन ले, और इस तरह से धीरे धीरे करते हुए इसको क्विट करें और लास्ट में हफ्ते में एक बार इसे जरूर लेते रहें। आप देखेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी, इतना ज्यादा उत्साह, उमंग का संचार होने लगेगा, क्योंकि पेट साफ होता है ना तभी हर रोग दफा होता है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो हमें लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दें। आपके छोटे से लाइक के बटन की वजह से हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए बहुत ज्यादा प्रयास, बहुत ज्यादा आयुर्वेदिक और नेचुरल थेरेपी के टिप्स आप तक शेयर करने के लिए। आपका प्यार आप हमें इसी तरह से देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।